हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं लाया हूँ सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण जीके जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा अक्जैलिक अम्ल का। अक्जैलिक अम्ल का जो है प्रयोग कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दो, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम का। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। क्वेश्चन नंबर तीन, केंचुए की कितनी आँखें होती है? तो उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। केंचुए के जो है एक भी आँखें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर चार, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर छः, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा डेंटाइन के। जो दांत होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं, डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो उत्तर हो जाएगा पैरामीसियम। क्वेश्चन नंबर आठ, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उत्तर हो जाएगा ड्रैको। जो ड्रैको छिपकली है वो उड़ने वाली छिपकली होती है। क्वेश्चन नंबर नौ, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा किंग कोबरा। जो किंग कोबरा सर्प होता है वो घोंसला बनाने वाला सांप होता है। क्वेश्चन नंबर दस, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा व्हेल शार्क। जो व्हेल शार्क है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। क्वेश्चन नंबर 11, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो उत्तर हो जाएगा प्रोटीन का। जो दालें होती है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। क्वेश्चन नंबर 12, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो उत्तर हो जाएगा डाइएसिटिलीन के कारण। डाइएसिटिलीन के कारण जो है देसी घी से सुगंध आती है। क्वेश्चन नंबर 13, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो उत्तर हो जाएगा लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा चावल। चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अंगूर में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है रक्त में पाई जाने वाली धातु है। क्वेश्चन नंबर 18, किडोन का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड बनना, गीले आटे का खट्टा होना। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार जो है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? उत्तर हो जाएगा पनीर। क्वेश्चन नंबर 20, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो उत्तर हो जाएगा डेवी। जो डेवी वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर जो है पिघला दिया था, पिघला दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो उत्तर हो जाएगा बाघ। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है बाघ उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 22, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उत्तर हो जाएगा किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग जो है दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा जे एल बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 26, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है?
उत्तर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दूध पर सबसे अधिक मात्रा में, सॉरी, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 29, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। जो मोती होता है वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? उत्तर हो जाएगा 7। सूर्य के किरण में 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, टाइपराइटर जिसे टंकन मशीन कहते हैं के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा सोल्स। क्वेश्चन नंबर 33, सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जो है एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में जो है लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? उत्तर हो जाएगा कोको द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा मैंगी फेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 37, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा जड़ों से। क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो उत्तर हो जाएगा आंवला। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। क्वेश्चन नंबर 39, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उत्तर हो जाएगा एपिथीलियम ऊतक। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? उत्तर हो जाएगा कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है कुत्ते को पालतू बनाया था। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।